स्टोरी यह है कि इंडिया दे एक अखबार दे विच एक खबर छपती है 2016 दे विच। 2016 दे विच जदों नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा शनामा जड़ा ना वह शुरू किया गया, हालांकि उहदा नाम पनामा लीक्स विच नहीं सी, लेकिन जहरी गल है उन्हों किसी ने कहा कि मैनू एक्सटेंशन चाहिए है, तो उन्हें कहा मैं एक्सटेंशन नहीं देनी। इस तरह जेडे दूसरे अफसरान ने उन्हां दीआं तरक्कियां ते बड़ा फर्क पैंदा, उन्हां नाल नजायज़ काम हो जाता है। फिर अगर एक नूं एक्सटेंशन देईए तो फिर थले को दो चार दर्जन जेडे अफसर ने उन्हां दा हक मारिया जाता है, लिहाजा मैं तेनू एक्सटेंशन नहीं देनी। और उस तो बाद फिर वह बंदा जिहड़ा गुस्से च आ गया, वड्डियां वड्डियां उहदियां मुछां सन, उन्हें फिर लाहौर दीआं सड़कां ते इस्लामाबाद दीआं सड़कां ते वड्डे वड्डे पोस्टर लवाने शुरू कर दिते, जाने की बातें जाने दो, अब आ भी जाओ। तुहानूं याद है कि नहीं? जे याद, गल बड़ी सुनन वाली जे, तुहाडे वतन दे नाल किस तरह की हो रहा है, गल बड़ी सुनन वाली जे मिठियो। जदों नवाज शरीफ ने इनकार किया कि मैं एक्सटेंशन नहीं देनी, वड़ियां वड़ियां मुछां वाला बंदा सी, उन्हें फिर पोस्टर लवाने शुरू कर दिते लाहौर के माल रोड से, इस्लामाबाद सज्जे खब्बे, जाने की बातें जाने दो, अब आ भी जाओ। तुहानूं याद है कि नहीं? याद याद कर लियो, मैं करवा रहा याद, क्योंकि मेरा काम है याद करवाना। उस तो बाद फिर साजिश जिहड़ी है शुरू की जाती है, साजिश शुरू की जाती है, अल्लाह वालों पलामा लीक्स जिहड़ी आ जाती है, उहदे च नवाज शरीफ का नाम ही नहीं सी, कोई चक्कर भी नहीं, कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं, लेकिन घसीटिया गया। और जदों वो घसीटा कसाई शुरू होंदी है इंडिया दे विच, एक अखबार ने, एक बहुत वड्डा सहाफी है, उहदा बहुत वसी तजर्बा और बहुत वड्डा दानिशवर है, कुछ 100 दे करीब किताबां लिख चुके हैं इंसानियत ते, सियासत ते, उस तो बाद जर्नलिज्म ते, हर चीज़ ते, वह इन्ना को अल्लाह उन्हें अकल और फहम दिता है कि बड़ा जय्यद सहाफ़ी है। जिस तरह पाकिस्तान दे विच भी तीन चार लोग ऐसे हैं जेड़े कि बड़े जय्यद सहाफ़ी ने। उस बंदे ने 2016 जुलाई दे विच अपने अखबार दे विच लिखिया कि नवाज शरीफ नूं सजा दे दिती गई है। हुण तुसीं अंदाजा ला लो, अजे पनामा लीक्स का केस शुरू भी नहीं सी होया प्रॉपरली, उदों अजे सिर्फ JIT बनती सी पई वट्सएप दे उत्ते, ठीक है। उदों उस बंदे ने 5-6 पॉइंटां दा एक फैसला लिख दिता अखबार दे विच, 6 पॉइंट सी उहदे। उस इंडियन सहाफ़ी ने अखबार दे विच 6 पॉइंटां दा फैसला लिख दिता और चंद पॉइंट उस फैसले तो पहले लिखे कि मैं ये फैसला क्यों लिख रहा, ठीक है ना जी। उहदे च उहने लिखिया कि जनरल राहिल शरीफ जिहड़ा उहने नवाज शरीफ नूं हटाउण दा फैसला कर लिया और उहनूं हटाउण वास्ते उहने ताहिर अल कादरी और इमरान खान नूं नवाज शरीफ दे उत्ते छड्ड दित्ता कि इहनूं रगड़ा लाओ और ऐसा रगड़ा लाओ कि ये 7 नस्लां याद करन। उस तो बाद अदलिया दे उत्ते प्रेशर पाने वास्ते PTV ते और इस सारे अदारियां ते हमले करवाए गए और उस तो बाद इस्लामाबाद लॉकडाउन करके ते अदलिया दे उत्ते प्रेशर पाने की कोशिश की गई कि असी तुहाडे कोल पटीशन लैके आनी है, तुसीं सुणदे क्यों ने, क्योंकि जिहड़ा अनवर जमाली साहब सन जिहड़े चीफ जस्टिस साहब सन उन्हां ओह पनामा लीक सी जिहड़ी पटीशन सी ओह चुक के ते बिन च सुट छड़ी सी। उन्हां कहा सब फराड है, झूठ है, इहदा कोई तलक नहीं आया, ए फ्रिवलस है, ये नहीं सी सुन सकदे, क्योंकि सारा कुछ जिहड़ा ये खला च हवा च, इहदा हकीकत नाल कोई तलक नहीं पनामा लीक दा। ओह जिहड़े जमाली साहब सी उन्हां ओह सुट छड़ी बिन च गारबेज कचरे च। उस तो बाद फिर वो अखबार लिखता है कि प्रेशर वधाया उस मुछ वाले ने
उन्हें नियाजी और कादरी और इस तरह के होर जो ग्रोह से उन्होंने कहा भाई चढ़ जाओ लाकडाउन कर दौ हर चीज़ तबाही फेर दौ और इन्हों को प्रैशर पाओ अदालतों से कि वह आप ही कह के आ जाओ। सप्लाई लाइना कट दती गई, खुराक दियाँ लाइना कट दी गई, ना खुराक बहर आ रही इस्लामाबाद तो ना अंदर जा रही और लाकडाउन के चक्कर जी आज ना वो सरकार हुंदा इंज कि फिर बिचों एक बंदे की आवाज़ उठती है जिदा नाँ सी जस्टिस खोसा। वो फिर टैलीफोन करता है खान साहब न कि खान साहब तुम पटीशन लैके मेरे को आ जाओ। फिर की हो गया अगर चीफ जस्टिस ने ये जरा नहीं तो गल मनी है ना तो अगले हफ्ते टुर जाना तुम मेरे को लै आओ। फिर खोसा साहब को लैके खान साहब चले जाते हैं, वो जो चले जाते हैं केस शुरू हो जाता है बिचों निकलता कख नहीं तो सत्त अठ बंदे बैठे होंगे ने किसी जगह पर जिन्हें फैसला किया कि नवाज शरीफ नूं हटाना। यह सारा कुछ अखबार च लिखे है एक साल पहले फैसला देन दे तो एक साल पहले फैसला अखबार च आया। एक गल मैं तुहाडे अगे क्लीयर कर दिया, मैं उन्हें नाल एक तुहानूं मिसाल दे रहा कि छे सत्त बंदे बैठे उन्होंने को फैसला किया, छे बंदियां ने एगरी किया, एक बंदे ने भैड़े दिल नाल एगरी किया लेकिन उन्हें वह फैसला वेख लिया कि अगों की होना है, उन्हें लीक कर दिता होगा ना। हुण पाकिस्तान की अखबार के बीच नहीं छप सकता करमाले तुसीं भी बड़े हजरत हो। पाकिस्तान की अखबार के बीच हमूद रहमान कमीशन नहीं छप सकिया तो इंडिया की अखबार जाके छपया तो फिर एजेंसियां गया सी लीक कितों हो गया। वह फिर लीक हो जाता वह जरा फैसला एक साल पहले सत्त अठ बंदिया ने बह के लिखा सी कि जनाब इन इंज करके लाना है ये बारे साढ़े कोई करप्शन नहीं कोई कुछ नहीं इंज करके इन लाना जे। वो सारे का सारा जरा फैसला 2017 जुलाई के साकब निसार ने सुनाया सी वो ही फैसला जरा 2016 च इंडिया की अखबार छप गया क्योंकि एक जगह तो लिखा पिया जाकर उन्होंने दिता तो सुना छड़िया। ये वो वाकया सी जड़ा पेश आया और दोबारा फिर उस अखबार ने कल परसों दोबारा फिर उही फैसला छापया। उन्हें कहा कि असी तुहानूं कहा सी ना कि यह फैसला आना तो यह रला लो अपने सारे पॉइंट जो असा पॉइंट लिखे ने यो ही सारा कुछ उस फैसले च लिखे है। ब्लैक ला डिक्शनरी फलाना करप्शन साबित नहीं हुई लेकिन तेनों जाना पेगा मुबजना तौर पर तेनों जाना पेगा अच्छी तेरी कोई करप्शन नहीं फाइंड कर सके तेरे बच्चे की कंपनी सी 2006 उदों 2006 तू उहदा डायरैक्टर सैं उहदी तैनूं तनखाह मिलदी सी उह तनखाह तू नहीं सी दसी 2008 च यह सारिया गल्लां उहनां पहले लिख छड़ियां सी। यानी कि 2016 दे विच इंडिया दे अखबार ने साकब निसार दा फैसला जिहड़ा नवाज शरीफ नूं अकामे ते हटाया सी उह साकब निसार ने दित्ता सी 2017 25 जुलाई नूं ते इंडिया दी अखबार ने 2016 जुलाई छाप छड़िया। हुण सुनाओ तबीयत ठीक है ना जी। तो इस वास्ते ये जिहड़ा फैसला उन्हें दोबारा फिर छाप दिता कल परसों अपनी अखबार च कि असी ये फैसला एक साल पहले ही छाप दिता सी कि इंज होना उत्थे ते ए फैसला आना। तो इस वास्ते ये वो चीज़ा ने ये वो गवाहियां ने नवाज शरीफ के खिलाफ नवाज शरीफ के हक च जिहड़ियां हर जगह तो जिहड़ियां ये निकल के आ रही ने और ये पाकिस्तान की अदालत जिहड़ी है खास तौर पर जी साकब निसार की अदालत सी उन्हें भी सोचना चाहिए साकब निसार भी सोचना चाहिए और जोड़े छे सत्त लोग जिन्होंने वह फैसला लिखा सी उन्होंने भी सोचना चाहिए और जोड़ा शरीफ आदमी जिन्हें वह लीक करके इंडिया की अखबार में दिता उन्होंने भी सामने आना चाहिए और आके कहना चाहिए कि हाँ ये मैं दिता सी क्योंकि मैं समझता सा कि नवाज शरीफ के नाल असी ज्यादती कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों तुहाडे वजीर आजम इस तरह हटाए जाते हैं इस तरह उन्होंने खिलाफ कंपेन की जाती है किस तरह उन्होंने इंडिया का एजेंट कहा जाता है उन्होंने बारे फतवे लवाए जाते हैं उन्होंने नाल ज्यादतियां की जाए ने लियाकत अली खान तो लग के नवाज शरीफ तक यो कुछ ही होया। अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब नाल भी ये होवे ये साड़ी दुआ है।